सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। हम हाफ इलास्टिक प्लाजो बनाएंगे, मींस आगे वाली साइड में बेल्ट अटैच करेंगे और पीछे वाले पैनल्स में हमने इलास्टिक डालनी है। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये राउंड शेप स्केल होती है, ये शेप वाली स्केल होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है पैंट कट प्लाजो की कटिंग करने के लिए। ये मेरे पास 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक है, जितना कि सूट में आता है बॉटम के लिए कपड़ा, ये मैंने पूरा ले लिया है। आप 2 या 2.25 मीटर भी ले सकते हो, लेकिन वो लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना लंबा प्लाजो बन रहा हो। अगर कम लंबाई हो तो 2 मीटर में भी चल जाता है। मैं आपको हिप राउंड के अकॉर्डिंग कटिंग करके दिखाऊंगी। इस केस में जो हिप राउंड है वो 39 इंचेस रेडी है, बाकी मेजरमेंट आप ऊपर देख सकते हो। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये कपड़े की लंबाई है, इस तरफ कपड़े की चौड़ाई है। मैंने इसको इस तरह से लंबाई की तरफ फोल्ड करते हुए रख लिया है। ये खुली साइड है और इस तरफ बंद साइड है। इस तरफ हम क्रॉच का मार्क करेंगे और ये बाहर वाली साइड होगी हमारे प्लाजो की। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बेल्ट अटैच करनी है, तो मैंने यहाँ पे 1 इंच चौड़ाई की बेल्ट इसमें अटैच करनी है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ ऊपर 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे तो हमारा 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में आएगा, तो हम इसलिए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। अब हमने इस साइड में भी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसमें लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ का मार्क हमने इस पॉइंट से 1 इंच हमने इंचेस टेप इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है। फिर इसमें लेंथ का मार्क करना है इस तरह से। इस मार्किंग पॉइंट से हमने टेप को बाहर निकालते हुए 1 इंच बाहर निकालते हुए फिर इस तरह से लेंथ का मार्क करना है। ये 1 इंच इसलिए बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि 1 इंच की मेरी यहाँ पर बेल्ट आ जाएगी। इस तरह से रखते हुए हमने टेप को, इस केस में 38.5 इंचेस रेडी है लेंथ, तो हम एक मार्क 38.5 इंचेस पे कर लेंगे। और उसके बाद आपने जितना फोल्डिंग मार्जिन रखना है, आप 2.5 इंच 3 इंच जितना भी रखना चाहते हो आप मार्क कर लीजिए। मैं 2.5 इंच रख रही हूँ और इन निशानों को स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। मैं आपको ये बाद में दिखाती हूँ किस तरह से गैप छोड़ा है मैंने। ये देखिए, यहाँ से मेरा लेंथ के मार्किंग से ये 2.5 इंच का गैप मैंने इस तरह से रखा है। अब हम यहाँ पे क्रॉच का मार्क करेंगे। क्रॉच का मार्क करने के लिए भी हमने 1 इंच टेप को बाहर की तरफ निकालते हुए जैसे हमने लेंथ का मार्क किया था सेम उसी तरह से करना है। अब क्रॉच मार्क करने का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपने जितना हिप राउंड होगा आपका उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना और उसमें 1.5 इंचेस ऐड कर देना है। मीन्स जितनी हिप होगी, जैसे 39 इंच है इस केस में हिप हमारी, तो उसका चौथा भाग जो आएगा वो 10 इंच आएगा, तो उसमें आपने 1.5 इंच और ऐड कर देना है। चौथाई भाग में 1.5 इंच ऐड कर देना है तो वो हो जाएगा 11.5 इंच। मैं 11.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा लूज़ पहनते हो क्रॉच, तो आप 1.5 की बजाय हिप के चौथाई भाग में आप 1.5 की बजाय 2 इंच ऐड कीजिए। इसी पॉइंट से रखते हुए हमने 11.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमारा जो टोटल क्रॉच होगा बेल्ट को इंक्लूड करते हुए वो हमारा 11.5 इंच होगा इस तरह से। तो हमने 11.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी हम 11.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा हिप राउंड का मार्क हो गया, ये क्रॉच लाइन होगी हमारी, ये हमारी रेडी लेंथ होगी और ये फोल्डिंग मार्जिन। अब हमने यहाँ पे हिप राउंड का मार्क करना, इस पॉइंट से रखते हुए मार्क करना है। हिप राउंड मार्क करने का जो फार्मूला है उसके लिए आपने जितना हिप राउंड आपका होगा, जैसे 39 इंचेस है, उसका फोर्थ पार्ट लेना है। 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 इंच आएगा, उसमें हमने 1.5 इंच ऐड करना है, क्योंकि 1.5 इंच की हमारे यहाँ पर प्लेट आएगी, टक्स या डार्ट्स भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर 11.5 इंच पर मार्क कर लेना है, चौथाई भाग में 1.5 इंच ऐड करते हुए इस तरह से 11.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से भी मैं 11.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरह से एक हम रेक्टेंगल बना लेंगे। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे, 1.75 इंच
जो हमने क्रॉच की यहाँ पे गोलाई देनी होती है। छोटे साइज़ में आप 1.5 इंच पे भी कर सकते हो और इससे बड़े साइज़ में आप 2 या 2.5 इंच पे भी कर सकते हो। इस तरह से मार्क कर लेना है हमने और यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है इस तरह से। अब हमने यहाँ से पूरा किनारी तक माप लेना है हमारा कितना आ रहा है। ये जितना आ रहा है उसका हमने हाफ कर लेना। ये मेरा 1.25 इंच आ रहा है तो 1.25 इंच का हाफ हमारा 6 से 1 पॉइंट कम हुआ। तो हमने किनारी से रखते हुए इस तरह से 6 से 1 पॉइंट कम है हमारा, एक सूत कम है, इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हमने इन मार्किंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम यहाँ पे मोहरी का मार्क करेंगे। इस केस में जो मोहरी हमारी रेडी है वो 7 इंच रेडी है। अब हमने ये जो सेंटर लाइन है इसके दोनों साइड 7 इंच का हाफ यानी कि 3.5 इंच पे मार्क कर लेना है। 3.5 इंच पे इस साइड में मार्क कर लेंगे और 3.5 इंच पे इस साइड में मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल 7 इंचज़ हो जाएगा। इस तरह से ये देखिए 7 इंच हो गया है। अब हम ये शेप स्केल लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड में हमने स्केल को इस तरह से रखते हुए मार्क किया है। अब बाहर वाली साइड में हमने स्केल को घुमाते हुए रख लेना है और क्रॉच लाइन से हमने 1 इंच नीचे इस तरह से मार्क करते हुए स्केल को रखते हुए ड्रॉ कर लेना है। ये 1 इंच नीचे मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से हमारी जो हिप होती है, हिप आती है, वो हैवी होती है, इसलिए थोड़ा सा नीचे कर लिया। अब यहाँ से सीधा कर लेंगे इसको और यहाँ से हमने थोड़ा सा स्लैंट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये जो फोल्डिंग के लिए रखा है, बाहर वाली साइड सीधी और अंदर वाली क्रॉच वाली साइड थोड़ी तिरछी रख लेनी है। ये हमारी फ्रंट पैनल्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हमने 1/2 इंच का गैप छोड़ा है सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे भी हम 1/2 इंच के गैप के ऊपर मार्क कर लेंगे सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरह से। और इसी तरह से हमने इस साइड में भी मार्क कर लेना है और यहाँ पे ऊपर मिला देंगे यहाँ पे। अब हमने इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है जैसे जैसे हमने मार्जिन रखते हुए मार्किंग की है। और यहाँ से हमने कोई मार्जिन नहीं रखना है, यहाँ से हमने एज इट इज कटिंग करनी है। अब ये हमारे फ्रंट पैनल्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो आगे कपड़ा बच गया है उसके ऊपर हम इनको प्लेस करते हुए रखेंगे और बैक पैनल्स की कटिंग करेंगे। ये मैंने कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करते हुए रखा है जैसे पहले रखा था और इसके ऊपर मैंने फ्रंट पैनल्स को इस तरह से प्लेस कर लिया है। और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाते हुए कपड़े को रखा है, फ्रंट पैनल के कंपेरिजन 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ा है कपड़ा। यहाँ तक फ्रंट पैनल्स आ रहे हैं और इसके ऊपर 1.5 इंच छोड़ा हुआ है ऊपर। मैं इस पे मार्क कर देती हूँ कि फ्रंट पैनल हमारा कहाँ तक आ रहा है, इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमने इस तरफ से तो इसकी एग्जैक्टली इसी तरह से कटिंग करनी है जैसे हमने फ्रंट पैनल्स की हुई है। और इस साइड में हमने यहाँ तक हमारा फ्रंट पैनल है, इस साइड से हमने थोड़ा सा बैक पैनल को बढ़ाते हुए फिर मार्किंग करनी है। यहाँ तक फ्रंट पैनल आ रहा है, इसके आगे मैंने 2 इंच इसको बढ़ाते हुए रख लेना है। 2 इंच बढ़ाते हुए फिर इस पे मार्क करना है। और इसी तरह से यहाँ पे जो हमारी क्रॉच लाइन है इसको मैं सीधा कर लूँगी और यहाँ से जो हमारा फ्रंट पैनल है उसके आगे मैंने 2 इंच पे मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हमने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस तरह से फ्रंट पैनल की नोक तक मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे बैक के क्रॉच की मार्किंग हो गई। अब हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नहीं रखना है, यहाँ से हमने बिल्कुल नहीं बढ़ाना बैक पैनल को क्योंकि हमने मार्जिन पहले से इसमें रखते हुए फिर कटिंग की है। 7 इंच हमारी मोहरी रेडी थी, हमने 1/2 इंच मार्जिन रख लिया जो सिलाई में आएगा। तो अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल जहाँ हमारा फ्रंट पैनल की मोहरी है वहाँ तक इसको मिला देना है। मैं इसमें मोहरी में कोई मार्जिन नहीं रख रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही सारा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ से हमने ये जो हमने 1.5 इंच इसको बढ़ा के रखा है, यहाँ से मेरा 1.5 इंच बढ़ते हुए आया है। यहाँ से हमने फ्रंट पैनल का जो बाहर वाली साइड है यहाँ तक हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
ये इस तरह से मैंने स्लैंट लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाया है, यहाँ से 2 इंच बढ़ाया है और यहाँ से भी 2 इंच बढ़ाते हुए बैक पैनल को रखा है, मार्किंग की है। अब इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब इस साइड से हमने इसकी कटिंग एग्जैक्टली उसी तरह से करनी है जैसे कि फ्रंट पैनल की है, कोई मार्जिन नहीं रखना है। जहाँ तक हमारा फ्रंट पैनल आ रहा है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये बैक पैनल कट चुका है। अब ये जो मैंने बढ़ाते हुए रखा है यहाँ से, इसलिए रखा है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो प्रेशर पड़ता है बैठने पर बैक साइड पर, तो इसलिए बढ़ा के रखा है ताकि यहाँ से हमारा खिसके ना नीचे ना उतरे। और ये जो मैंने बढ़ा के रखा हुआ है ये इसीलिए रखा है क्योंकि हमारी बैक का जो पोर्शन होता है वो फ्रंट के कंपैरिजन हैवी होता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम हमेशा बैक साइड को बढ़ा के काटते हैं ताकि जब हम इस उठे बैठे या झुके कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बेल्ट की कटिंग करेंगे वो स्टिचिंग करते वक्त करेंगे हम, क्योंकि उसकी जो लंबाई लेते हैं वो हिप राउंड के अकॉर्डिंग, स्टिच करने के बाद जितना हिप राउंड आएगा उस अकॉर्डिंग लेंगे, और चौड़ाई हम बेल्ट की 3.5 इंच लेंगे। तो चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फ्रंट पैनल्स लेंगे, सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए रखा है, अंदर की तरफ दोनों सीधी साइड हैं, और यहाँ पर स्टिच लगाना है, इसके क्रॉच अटैच करने हैं, यहाँ तक अटैच करना है, और यहाँ से हमने 1 से 1.5 इंच खुला छोड़ देना है। ये मैं खुला इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि पहनने के बाद जो प्लाजो के खींचने की प्रॉब्लम आती है कि हमारा ऊपर खींचता है या उठता है, व्यूअर्स बोलते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको हम बाद में स्टिच करेंगे जो खुला छोड़ रहे हैं अभी। अब हम स्टिच लगाने के बाद इसको डबल स्टिच कर देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। इस तरह से हमने ये क्रॉच सिल लिया है। अब इसी तरह से बैक पैनल का क्रॉच सिलेंगे, इसको भी थोड़ा सा खुला छोड़ते हुए यहाँ से नीचे से इसी मार्किंग के ऊपर सिल लेंगे, और इसमें भी डबल स्टिच देना है हमने। क्रॉच पे हमेशा डबल स्टिच लगाइए आप। इस तरह से हमने इसके क्रॉच सिल लिए हैं। अब हम इसको उठा देंगे, पहले हम फ्रंट पैनल का जो काम है वो कंप्लीट करेंगे, बैक पैनल्स को बाद में लेंगे। अब ये फ्रंट पैनल्स ले लिए, इसके ऊपर हम प्लेट का मार्क कर लेंगे। प्लेट 4 इंच तक डालनी है इस पॉइंट से, क्योंकि पहले हम मार्क नहीं कर पाए थे। अब 1.5 इंच चौड़ी प्लेट डालनी है, तो हमने इसका 1.5 का हाफ इस साइड में और हाफ इस साइड में मार्क करना है। 1.5 का हाफ हुआ 1.25 इंच, 0.75। इस तरह से दोनों तरफ 0.75 पे मार्क करते हुए इन पॉइंट्स को इस तरह से मार्क कर लेना है। नीचे से हमने बिल्कुल तीखी शेप देनी है इसको, और ऊपर से थोड़ा चौड़ा रखना है। इस तरह से सीजर को करते हुए दबाना है, और पीछे की साइड में भी हमारा प्लेट के मार्क आ जाएगा कि कहाँ तक हमने डालनी है। अब इसमें हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए पहले इस तरह सेंटर पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों तरफ 0.25 इंच पे मार्क करते हुए प्लेट का मार्क कर लेंगे। जो प्लेट्स हैं वो हमने अकेले फ्रंट पैनल्स में डालनी है, बैक पैनल्स में नहीं डालनी है। अब हम इनको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया, अब स्टिच करेंगे इनको। इस तरह से पकड़ते हुए हुए हमने इनको स्टिच लगाना है, और इसके ऊपर स्टिच थोड़ा बारीक लगाना है, और स्टिच लगाते हुए बाहर की तरफ निकाल देना है। और जब धागा काटना है तो थोड़ा लंबा छोड़ के काटें। इसी तरह से दूसरी साइड में भी, दूसरी टक पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ा लंबा छोड़ते हुए धागा काटिए, तो हमारी निकलती नहीं है सिलाई यहाँ से। अभी इस तरह से दोनों तरफ हमारे प्लेट्स डल चुके हैं। अब हम इसमें पॉकेट इंसर्ट करेंगे। आप डिसाइड कर लीजिए आपने राइट हैंड साइड में करनी है या लेफ्ट हैंड साइड में। मैं इसमें राइट साइड में इंसर्ट करूँगी पॉकेट। तो हमने पॉकेट जो रेडी रखनी है वो हमने बेल्ट से नीचे 1 इंच नीचे तक रेडी रखनी है। तो हमारा 1/2 इंच यहाँ से सिलाई में दबेगा जब हम बेल्ट अटैच करेंगे, उसके बाद हमने 1 इंच पे मार्क कर लेना है। टोटल हमारा 1.5 इंच हो गया ऊपर से। तो टॉप से 1.5 इंच पे मार्क करने के बाद अब हमने जो पॉकेट का मुंह खुला रखना होता है वो 6 से 6.5 इंच तक रख सकते हैं। मैं इसमें 6 इंच तक रखूँगी, आपकी मर्जी, आप चाहो तो 6.5 इंच पे भी कर सकते हो। इस तरह से हमने इस पर मार्क कर लेना है। अब हम इसको उठा देंगे और पॉकेट की कटिंग के लिए कपड़ा लेंगे। ये मैंने कपड़ा ले लिया है प्लाजो की साइड में से, इस तरह से बचा था कपड़ा, ये डबल में लिया है मैंने।
इसके हम ऊपर की तरफ से जो रखेंगे चौड़ाई, वो मैं 6 इंचेस रख रही हूँ, 6 इंच ऊपर से रख लेंगे, और नीचे वाली साइड जो हमारी आएगी वो 6.5 इंच रख लेंगे। और इसकी लेंथ मैंने, ये मेरे पास 12.5 इंच है, तो मैं 12.5 इंच ही रख लूँगी। आप चाहो तो 12 इंच या फिर 13 इंच, 12 और 13 इंचेस ले सकते हो। अब इन दोनों मार्किंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इन पे कटिंग कर लेंगे। अभी इस तरह से ये हमारा अपर पोर्शन 6 इंचेस पे और नीचे वाला 6.5 इंच पे। अब नीचे वाले साइड में हमने इसको राउंड शेप दे देनी है, खुली साइड में इस तरह से। अब हम फ्रंट पैनल लेंगे फिर से और इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे, और ये जो हमने मार्क्स इसमें लगाए थे पॉकेट के लिए, इसके ऊपर हमने इसको पॉकेट को इस तरह से प्लेस करना है। ऊपर की तरफ से बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है बेल्ट वाली साइड से, इस तरह से खुली साइड इसकी बाहर की तरफ करते हुए रखा है मैंने। अब जैसे जैसे हमने ये प्लाजो के ऊपर मार्क किए हैं, उसके बिल्कुल बराबर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद ये देखिए पॉकेट का मुंह हमारा यहाँ पे आएगा। हमने यहाँ पे 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए एक मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर स्टिच देना है। स्टिच देने से पहले हम इसको इस तरह से खोलते हुए रखेंगे, दोनों किनारों से बराबर करते हुए रखना है। ये मार्क हमारे इस तरह से बराबर करते हुए आएंगे और यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हमने स्टिच लगा देना है। स्टिच को पक्का कर लें दोनों किनारों से। इस तरह से ये हमारा स्टिच लग गया है। अब हमने यहाँ पे ये जो मार्क्स हैं, यहाँ पे हमने कट्स देने हैं, सिलाई के पास तक देने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इस तरह से कट देने हैं। अब पॉकेट को इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे नाखून से दबाते हुए सिलाई को अच्छे से, ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से दबाने के बाद पॉकेट को हम उल्टी साइड में पलट लेंगे, क्योंकि हमने सीधी साइड में रखते हुए इसको लगाया था, प्लाजो की सीधी साइड में रखते हुए। पलटने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने यहाँ पे ये जो पॉकेट का मुंह है, इसके साथ साथ 1 फुट के गैप के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। किनारों से सिलाई को पक्का करते हुए लगाएं। यहाँ पे हमने अब स्टिच दे दिया है। अब हम इसको, ये जो हमारी पॉकेट है, इसको हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर करना है। यहाँ पे हम इसके स्टिच दे देंगे यहाँ तक। इस तरह से हमने इसमें स्टिच दे दिया है। अब हम इसको फिर से इस तरह से उल्टी साइड में करेंगे अंदर की तरफ। इस तरह से हमने इसको अंदर कर लिया है। अब हम इसमें इस तरह से 1/2 इंच के गैप के ऊपर स्टिच देंगे। ये सीधी साइड है, ये देखिए यहाँ पे नीचे मेरी पॉकेट है, तो हमने इस तरह से जहाँ तक पॉकेट है 1/2 इंच के गैप के ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर हमने ये पॉकेट है, पॉकेट के ऊपर स्टिच नहीं आना चाहिए, पॉकेट के साथ साथ नीचे यहाँ पे 1/2 इंच के गैप के ऊपर स्टिच आना चाहिए इस तरह से, और बाद में ऊपर इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए पॉकेट के नीचे मैंने मार्क लगाए हैं इस तरह से। ये हम स्टिच इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम इससे बैक पैनल अटैच करेंगे तो इस स्टिच की हेल्प से हमें पता चलता रहेगा कि हमने स्टिच कहाँ लगाना है। यहाँ से हम, ये नीचे से यहाँ से पॉकेट स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ से होती है, तो हम यहाँ से इसको पक्का कर लेंगे इस तरह से। पॉकेट के मुंह के पास स्टिच लगाते समय ध्यान रखें पॉकेट के मुंह के ऊपर सिलाई ना आए, और इसी तरह से यहाँ से भी पक्का कर लेंगे इसको।
और यहाँ से भी हम इसको पॉकेट को बिल्कुल सीधा करते हुए इस तरह से बिल्कुल सेट करते हुए रख लेना है। अगर आपका यहाँ से देख के बिल्कुल फिनिशिंग से आनी चाहिए पॉकेट, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अगर यहाँ पे आपका कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको काट दें। इस तरह से हमने स्टिच दे दिया है। अब ये देखिए हमारी पॉकेट इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब ये मैंने इस तरह से स्ट्रिप ली है, इसकी जो लंबाई है स्ट्रिप की वो जितना हमारा ये यहाँ से चौड़ा है फ्रंट पार्ट उतनी ली है, और इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 से 4.25 इंच है मेरी, 3.5 इंच भी चल जाएगी। और ये मैंने 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप के लिए बुकरम ली है, और इसकी लंबाई भी मैंने इसी तरह से ली है, जितनी लंबी ये स्ट्रिप है उसी तरह से ले लेनी है। अब सबसे पहले हम इसको रेडी करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ से इसको 1/2 इंच इस तरह से मोड़ते हुए एक स्टिच दे देना है, रफ स्टिच। इस तरह से हमने इसमें स्टिच दे दिया है। अब हमने इसको एक बार फिर से इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे इसके किनारे पे स्टिच दे देना है। इस तरह से ये हमारी स्ट्रिप रेडी हो गई है। और हमने ये जो बुकरम रखी थी हमने उल्टी साइड में रखते हुए अटैच की थी। अब हम इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे। फ्रंट पैनल की रॉन्ग साइड है। अब इसकी उल्टी साइड के ऊपर इस स्ट्रिप को मैं ये वाली जो साइड है इसकी इस तरह से ये वाली जो साइड है इसको मैं यहाँ पे इस तरह से रखते हुए स्टिच करूँगी। स्टिच लगाते समय ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला ये नीचे नहीं आना चाहिए सिलाई के, तो आपने करना है इसको इस तरफ करते हुए यहाँ पे 1/2 इंच के गैप के ऊपर मार्जिन के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, अगर आपको इस तरह से रखते हुए स्टिच लगाने में प्रॉब्लम आती है। वैसे तो हम नॉर्मली इसी तरह से रखते हुए स्टिच देते हैं इस तरह से, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने इसको इस तरफ कर लेना है और यहाँ पे स्टिच दे देना है पूरी स्ट्रिप में। अब हम इसको सीधी साइड में इस तरह से कर लेंगे। सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से इस तरह से करते हुए यहाँ पे इसके किनारे पे स्टिच दे देंगे। इस तरह से देखिए कितनी ही फिनिशिंग से हमारी जो है बेल्ट इसमें अटैच हुई है। अब हमने एक और स्ट्रिप ली है, इसकी चौड़ाई भी हमने पहले वाली स्ट्रिप के जितनी ली है, और इसकी जो लंबाई ली है वो जितना हमारा बैक पोर्शन की चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग ली है। ये इसकी सीधी साइड है, और इसके ऊपर हम रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करते हुए और इसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए मीन सीधी साइड से सीधी साइड मिलाते हुए इस तरह से इसमें अटैच करेंगे स्ट्रिप को। इस तरह से ये अटैच हो गई है। अब हम इसको भी इस तरह से उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए भी यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच देना है, रफ स्टिच लगा देंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। अब ये रफ स्टिच लगाने के बाद हम फ्रंट पैनल लेंगे। फ्रंट पैनल लेने से पहले हम इलास्टिक ले लेंगे जो हमने डालनी है इसमें।
अगर हमने हाफ में इलास्टिक डालनी हो जैसे अभी हम बना रहे हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, जितना हमारा वेस्ट राउंड होगा उसमें से हमने 5 इंच माइनस कर देने हैं, और जितना आंसर आएगा उसको हमने 2 से डिवाइड यानी कि भाग कर देना है। तो इस केस में जो मेरा वेस्ट राउंड है वो 35 इंचेस है, उसमें से जब मैं 5 इंच माइनस कर दूंगी तो वो हमारा रह जाएगा 30 इंचेस, उसको 2 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 15 इंचेस। तो हम इसमें 15 इंचेस चौड़ाई की इलास्टिक लेंगे, 15 इंच पे मार्क करते हुए छोड़ देंगे, और रोल में से अभी हम इलास्टिक काटेंगे नहीं, इसको हम प्लाजो में लगाने के बाद फिर काटेंगे। अब फ्रंट पैनल लेंगे, इस तरह से फ्रंट पैनल लेना है, और बैक पैनल लेंगे। इनकी हम लेग्स की जो बाहर वाला पोर्शन होगा इनको अटैच करेंगे, और इसके ऊपर मैं बैक वाला पैनल का इस तरह से रखूंगी, सीधी साइड मिलाते हुए लेग की जो बाहर वाली सिलाई होती है ये लगाएंगे। ये मैं क्यों लगा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने इलास्टिक इसके साथ में स्टिच लगाते हुए ऊपर सेट करनी है। स्टिच लगाते हुए बेल्ट के पास पहुंच गए। अब हमने यहाँ पे इस तरह से ये नीचे वाले पोर्शन की जो बेल्ट है इसके ऊपर इस तरह से ओवरलैप करते हुए ऊपर वाला पोर्शन रखना है, और इसको हमने ये देखिए इस तरह से यहाँ तक है ये, तो हमने इसको इस तरह से इसके ऊपर से घुमाते हुए इस तरह से करते हुए यहाँ पे हमने अपनी इलास्टिक को इस तरह से रखना है और स्टिच लगा देना है। ये इस तरह से हमने इसमें स्टिच दे दिया है। अब हमने इसको इलास्टिक को इसी तरह रहने देना है रोल में। अब ये देखिए इस तरह से है हमारा इस साइड में। अब हम इसको इस तरह से करेंगे, इस तरह से, तो ये हमारा सीधी साइड से इस तरह से नज़र आएगा। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, अब हम यहाँ पे इसमें स्टिच लगा देंगे, इस तरह से करते हुए स्टिच लगाना है हमने। स्टिच हमारा इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इस तरह से देखिए मेरी इलास्टिक इस तरह से खिंच रही है, इसका मतलब मेरा इलास्टिक के ऊपर नहीं आ रहा है स्टिच। इस तरह से मेरा पूरा स्टिच लग गया है। अब हम इसको इस तरह से खींच लेंगे इलास्टिक को। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मेरा मार्क है इस तरह से। तो अब मैंने इसको इस तरह से करते हुए अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे किनारे के ऊपर एक स्टिच दे देना है, क्योंकि मैंने यहाँ से काट लेनी है अब इलास्टिक। पहले हम स्टिच दे देंगे उसके बाद कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे बैक पोर्शन में इलास्टिक लग गई है। अब हमने इसकी दूसरी साइड में भी लेग में स्टिच दे देना है, और ये स्टिच हमने इस साइड में हमारी पॉकेट है तो ये हम ऊपर की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरी इस साइड में जो है पॉकेट के साथ साथ जो हमने स्टिच दिया था मेरा इस साइड में है, इससे मुझे पता चलता रहेगा कि मैंने कहाँ तक स्टिच देना है। आपकी भी जो वाली साइड पॉकेट की ये स्टिच वाली ऊपर की तरफ होगी उसको ऊपर की तरफ करते हुए रखिए फिर स्टिच दीजिए। क्योंकि ये हमने स्टिच इसीलिए लगाया था ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने कहाँ स्टिच देना है। ये इस तरह से हमने दोनों तरफ स्टिच लगा लिया है। अब ये जो हमारे यहाँ से ये जो हमने स्टिच दिया है, एक तरफ तो हमने इस तरह से दबाते हुए स्टिच दिया है, हमारा इस तरह से अच्छे से छुप के आ गया। अब ये जो यहाँ पे इलास्टिक हमने इस साइड में अटैच की है, इसको हम इस तरफ बैक साइड की तरफ, इस बड़े हुए कपड़े को बैक साइड की तरफ करते हुए यहाँ पर स्टिच दे देंगे ताकि हमारी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए।
तरह से देते हुए अब हम ये जो हमने इलास्टिक अटैच की है इसको हम इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से सेट करते हुए, बराबर करते हुए, बिल्कुल इस तरह से खींचना है और बैक साइड से भी इस तरह से पकड़ते हुए फिर खींचते हुए इस तरह स्टिच देना है। हमेशा नीडल अंदर की तरफ रखते हुए फिर ऐसे खींचना है और इसके ऊपर स्टिच देना है। ये इस तरह से हमारा इलास्टिक पे स्टिच आ गया है। अब हमने इसमें यहाँ पे यहाँ मोहरी वाली साइड में फोल्ड करते हुए स्टिच देंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने इसको स्टिच देना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी स्टिच दे देंगे। ये हमने इसकी दोनों मोरी को फोल्ड कर दिए, स्टिच दे दिया है। अब हम यहाँ पे अंदर वाली सिलाई लगाएंगे, लेग वाली सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए क्रॉच के पास से सिलाई बाहर निकाल देंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों तरफ की लेग की स्टिच लगा ली है। अब हम यहाँ पे जो क्रॉच हमने खुला छोड़ा है इस तरह से, ये देखिए हमारा क्रॉच यहाँ से खुला है, तो हम इसको स्टिच लगाएंगे। अब क्रॉच का स्टिच हम बाद में लगाएंगे, जो खींचने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी इससे। और हमने ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको हमने इस तरह से, जैसे हम बाजू में फोल्ड करते हैं, इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर स्टिच देना है। इस तरह से दोनों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लेना है, फिर स्टिच लगाना है। तो इस तरह से हमारे ये पैंट प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमारी पॉकेट है इस साइड में, इस तरह से ये देखिए। और ये देखिए कितनी ही फिनिशिंग से हमारी यहाँ पे पॉकेट आई है। तो इस तरह से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मुझे ये कई व्यूअर्स ने कमेंट किए थे कि हमें पॉकेट अटैच करके बताइए कि किस तरह से लगाते हैं, तो मैंने आज आपको दिखा दिया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।